अहल और ना अहल का कैसे पता चले? सब दाढ़ी और इमामे वाले, देखो दाढ़ी और इमामा ही सिर्फ अहलियत में दाखिल नहीं है ना, वो जब तिलावत करेगा पता चलेगा कि किरात इसकी दुरुस्त है या नहीं है, नमाज पढ़ेगा तो पता चलेगा इसकी नमाज दुरुस्त है या नहीं है, जब जदवल बनाएगा और काम करेगा और अपने मातहतों से रास्ते में आएगा तो पता चलेगा अहल है या नहीं है, जब इसको हदफ दिया जाएगा उसको पूरा करेगा या अधूरा करेगा फिर पता चलेगा कि ये अहल है या नहीं है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि हर महीने हर जिम्मेदार की कारकर्दगी बनाई जाए, हर निगरान की, हर शोबे की, कमजोर मुनासिब मुमताज बेहतर भी शामिल हो सकती है। कमजोर कैफियत तवज्जो नामा, कमजोर कैफियत तवज्जो नामा, कमजोर कैफियत तवज्जो नामा, 3 महीने गुजर गए, अब इसको जिम्मेदारी से दाएं बाएं या नीचे किया जाए, शोभा बदला जाएगा या इसको इससे निचली सतह पर लाया जाए। 3 महीने लगा था, हाँ 2 महीने के बाद फिर बेहतर हो गया तो फिर वो 3 महीने वाला सिलसिला खत्म हो गया, फिर कमजोर आ गया, अब पहला महीना। तो अगर ये छांटी हमारी होती रहे तो इंशाल्लाह हम करीम मजबूत और अच्छे टाइम पर ऊपर आते जाएंगे, कमजोर नीचे आते जाएंगे, होना भी ये चाहिए। ये थोड़ी सी सफेद दाढ़ी देखकर उसको जिम्मेदार बना दो, कद बड़ा लंबा इसको जिम्मेदार बना, वजन का बहुत ज्यादा इसको जिम्मेदार बना दो, डर लगता है इससे जिम्मेदारी नहीं देंगे तो ये जान को आएगा, इसको जिम्मेदार बना दो, थोड़ी दोस्त से जिम्मेदार बना दे, ऐसे थोड़ी बनाएंगे, ये म्यार थोड़ी, जो काम बेहतर करेगा उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, बेहतर रहेगा जिम्मेदारी रहेगी, नहीं बेहतर रहेगा दूसरे को लाया जाएगा, और ये आपके लिए नहीं मेरे लिए भी, सीधी बात सबके लिए, हम अपने आप को भी पेश करें।